चुनाव होने वाला है अभी 1 महीना बाद, तो आप वोट डालते हैं? हाँ वोट डालते वोट हैं। डालते हैं तो क्या चुनाव से आप, चुनाव का जानकारी है आपको, इस बार का चुनाव होने का जानकारी है? चुनाव तो देखते हैं, सब तो हो कर रहा है, टीवी देखते हैं टीवी देखता ना। हो कर रहा है। तो अभी हाँ क्या मतलब, अभी जो 5 साल हम हमारा जो विधायक रहे हैं यहाँ के, क्या क्या काम करवाए हैं, कुछ जानकारी है आपको उसके बारे में? 5 साल हाँ अभी आप जैसे सरदार टोला में रहते हैं, तो आपके टोला में क्या क्या काम करवाए हैं, क्या क्या विकास हुआ है? विकास तो हुआ, कुछ विजय का रोड बहुत कहने पर अभी तो बना हम बताइए वहाँ से आ रहे थे, गली से जो आए हैं आपसे मिलने के लिए, हम इतना दूर से, हम तो हसदा से आ रहे हैं, तो जी। हम तो देखे पूरा स्थिति खराब था, सड़क का पूरे कादो कीचड़ हुआ पड़ा हाँ है। बहुत खराब है, कोई विकास नाम का नहीं हुआ है उनके यहाँ। मैंने कंप्यूटर में लोड किया कि अगर 2018 अगस्त तक इस पर विचार नहीं कीजिएगा हाँ तो मानव के साथ बहुत जुल्म होगा, अत्याचार होगा, मानव समुदाय बहुत संकट में फंस जाएंगे। जितने भी कार्यकर्ता हुए हैं, राजनीति अलग ढंग से पेश करके चला रहे हैं, सही राजनीति नहीं कर पा सही रहे हैं, राजनीति कोई नहीं कर पा रहा। कोई नहीं कर पा रहा है, किसी में अपनत्व की आपके नज़र में भावना। कोई है मोदी जी? मोदी जी क्या मतलब सही राजनीति कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी बहुत गरीब परिवार के आदमी हैं, गरीब ही गरीब की दुखड़ा सुनेगा। अच्छा तो वो काम सही कर रहे हैं। हाँ सही कर रहा अच्छा है। तो बिहार में विकास कहीं नहीं हो रहा फिर? बिहार के लोग तो ये संस्कारहीन हैं, तब ये संस्कार बिहार के लोग करने, संस्कारहीन है? संस्कारहीन है अच्छा यहाँ। आपका मतलब हमसे तो नहीं है? हाँ संस्कारहीन है, अच्छा संस्कारहीन। जब तक हिंदू लोग टीक नहीं रखेगा, अच्छा जनेऊ नहीं पहनेगा, अच्छा तब तक हिंदुस्तान में इस तरह की दुर्दशा चलती तो रहेगी। मतलब ये जो टीक का बात कर रहे हैं, जनेऊ का बात कर रहे हैं, तो समकालीन स्थिति में इसका क्या, इस संदर्भ में क्या इसका है महत्व, क्या है इसका? इसका महत्व बहुत कुछ है, जैसे चींटी जैसे अगर को हम, जैसे मान लीजिए अभी हम हैं हिंदू और हम जनेऊ रखना शुरू कर दें, जनेऊ पहनना शुरू कर दें और टीक रखना शुरू कर दें, तो उससे क्या मतलब समाज का कल्याण हो जाएगा? न, समाज का कल्याण तो जो हम बोल रहे हैं मासिक संदर्भ में जो कुछ किए, बच्चा अच्छा, घर अच्छा, परिवार अच्छा, समाज अच्छा, देश अच्छा। बच्चा खराब, घर खराब, परिवार खराब, समाज खराब, देश खराब। अच्छा और इसी बिंदु पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बच्चा क्यों नहीं इतना खर्च होने पर भी प्रोग्रेस कर रहा है, भाईचारा का नाता कहाँ है, छीनो लूटो मारो, वो मार दो उसको तो हम ही बनेंगे, यह सब भाव पर हम त्रस्त हैं। यह भाव नहीं हो, सब मिलजुल करके चयन करें, इतना तो गुलाबाग है, सब मिलजुल करके एक सरकार एक बनाए सरकार तो बनाए। कोई दिक्कत है? अच्छा तो आप बोले एक सरकार, किसका सरकार चाहते हैं आप? चलिए सब सरकार एकजुट हो गए, हम मिल गए आपके साथ, आप जो हाँ बोलिएगा इस साल हम भी वोट देंगे, किसको वोट दें बताइए आप? आप जिसको बोलिएगा हम उसको वोट देंगे। हाँ नहीं वोट देखिए, अभी आपको पूरे जड़ बता दिए कि प्रज्ञा अपराध मोदी ने किया, ये प्रज्ञा अपराध तो गंगा गयासुद्दीन नाम का आदमी गया गंगाधर बन करके हिंदू बन करके हिंदू को ठका, अच्छा एक नंबर। दूसरा प्रज्ञा अपराध उन्होंने किया कि मोदी ने जिन्ना खान तैयार किया अच्छा जिसको पाकिस्तान का राजा बना दिया है, जिन्ना खान सब रस स्वाद लेता है सब जी। स्वाद लेता है। आओ हिंदू का मतलब है ठीक, अब हाँ मुसलमान का अर्थ है दाढ़ी, दाढ़ी। अच्छा तो मुसलमान लोग दाढ़ी भी रखते हैं बिना सुन्नत कराए, उसका तो यही भाग न है हिंदी का नस्कट ना, इधर हाँ तो नहीं है, इधर से इधर हम ऊपर से लोगों हिंदू का। नीचे से मुस्लिम, हाँ ये इधर कहने का। इधर जो है तो हमारा जनौ है, जनऊ नहीं करता है, जिसका कि माँ क्रोधित हो करके कोरोना ले आई है, अच्छा और कोरोना जब टीक रख लेंगे, जनऊ पहन लेंगे, चला जाएगा। और कोरोना महारानी चली जाएगी एकदम सरपटा। इसमें जो त्यागा कुछ खाते हैं हम, हाँ और कुछ सूरज चांद तारे से आते हैं, धरती हवा
चांद सूरज तारे यही है हमारे, हम हैं उनके प्यारे। का बात कर रहे थे दाढ़ी का, ठीक है। अभी हम कुछ दिन पहले, हम दो हफ्ता पहले मूंछ रखते थे, बड़ा बड़का मूंछ रखते थे राजपूत के जैसा, लोग बोलते हैं राजपूत का वाला मूंछ है। तो हम दो हफ्ता पहले मूंछ रखते थे, लेकिन फिर हम मूंछ हटा दिए, ठीक है। तो अभी मतलब अगर मूंछ रखेंगे हम फिर से बढ़ा लेंगे तो फिर क्या उससे है कुछ कल्याण होने का है कुछ विचार? हाँ, ठीक सिखा रखिए पहली बात है। अच्छा, पहले ठीक सिखा रखे, ठीक बढ़ा लें। हाँ अच्छा, ठीक बढ़ा लीजिए आप फर्स्ट क्लास हो जाइएगा। ठीक बढ़ा लेंगे फर्स्ट। हाँ, इतवार रोज मछली मांस नहीं। जनेऊ कैसे पहनेंगे चाचा? जनेऊ हम ब्राह्मण तो है नहीं। नहीं है ब्राह्मण, ब्राह्मण सब है, सब ब्राह्मण। हम दिखा दिए ज्ञान से ब्राह्मण है, ब्राह्मण सब है। अच्छा, बिना ब्राह्मण की कोई जीव नहीं चल सकती। अच्छा अच्छा, तो ब्राह्मण सब है। लोग ठिका ले लिए थे, हम ही कर देंगे। अच्छा अच्छा, लोग आश्रित हो गया उस पर। अच्छा अच्छा, तुम वो कर लेना, हम पूजा कर लेंगे। हाँ, हम भले कमाते खाते हैं, आपको सब चीज देते रहेंगे। तो हमारे पूर्वज लोग ही ऐसे कर दिए है, लेकिन ब्रह्म शक्ति सब में है। अच्छा, सब ब्राह्मण है आप, मतलब जिस हर हर एक व्यक्ति के पास, हर मानव के पास, हर मनुष्य के पास ब्रह्म शक्ति है। ब्रह्म शक्ति है, वो ब्रह्मत्व है, ब्राह्मण। और बिहार का कल्याण कैसे होगा? इतना साल बिहार का कल्याण, बिहार में ज्योतिष विषय से घर घर दौड़ाइए, हम जाएंगे नाम जोड़ के स्कूल खोल के पढ़ाई कर देंगे। बिहार अशांत में है, बिहारे सबसे गया गुजरा अभी हम देख रहे हैं राज्य, और इसको ऊपर उठाने के लिए ज्योतिष विषय की ज्योतिष व किरण है। ज्योतिष का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्योतिष व किरण है जो गिरे हुए पतित को आसमान तक पहुंचा देता है। आप देखे कि गांधी जी कैसा गरीब, और वो अम्बेडकर जी कैसा था, तिलका मांझी कैसा था, लेकिन गांधी जी ने नीचे से उठा करके ऊपर आसमान सूरज तक पहुंचा दिया तिरंगा झंडा को। और राम भूमि जो है, वो राम भूमि तभी होगी जब हमारे हिंदू लोग टीक रखेंगे हिंदुस्तान में, बिहार के लोग, बिहारी लोग टीक रखेंगे, जनऊ पहनना शुरू कर देंगे। अच्छा। जय श्री राम, पहला विकास का केंद्र बिहार बनेगा। अच्छा, मतलब टीक रखना शुरू कर देंगे और जनेऊ पहनेंगे और राम भूमि बनाना है। हाँ, राम भूमि बनाना है। तो फिर कैसे इससे जो मतलब मुस्लिम दल के लोग हैं और अन्य दल के लोग हैं, तो उनको, मुस्लिम तो राम, उनको कठिनाई नहीं होगी? उनको नहीं, कोई कठिनाई नहीं, आपका पाठ बांट दिए है। अच्छा, मुसलमान का ये मतलब है। मतलब ये आपका कहने का मतलब यही है, हिंदू मुसलमान है, हिंदू मुसलमान हम है, इंसान हम इंसान है, हम इंसान है, सब मिल करके ही हम मानव है। जाति पाति एक तो माँ ने खेल किया कि ये हिंदू हुआ ये मुसलमान हुआ, तो हमारा चिन्ह खत्म हो गया। बयालीस ऐसे करते करते हम सब इकट्ठे फिर दिए प्रधानमंत्री जी, मैंने समाज सुधार के लिए गरीबी में पलते हुए, गरीबी में पढ़ते हुए मैंने पांच पुत्रों को जन्म दिया। कोई शांति में नहीं है, लड़ता झगड़ता रहता है। तो मैंने इसके अनुसंधान में, भारतीय अनुसंधान पुस्तक लिखा हूँ कि मासिक ही मंजर है, उसी में बालक फरते हैं, और इसी से संस्कार की विधि जो है वह जन्म, गर्भवती रहने पर क्या करना है, बच्चे का जन्म होने पर नाल छेदन करना है, और जब तक गर्भवती रहे तब तक उनके पास अच्छे अच्छे फोटो हो, चित्र हो, बढ़िया प्रसंग चलते रहे, और पति का प्रसंग तभी होगा जबकि बच्चा निकास होगा, और बच्चा के पैदा होने पर वह बच्चा अवश्य श्रेष्ठ उत्तम पुरुष बनेगा, देश का विद्वान बनेगा।